Assalamualaikum friends, how are you? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, जो कि एक हमारी पोइम है और इस पोइम की आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में समरी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बी द बेस्ट जो पोइम हमें ये किस चीज़ का लेसन देती है, ये हमें होप का लेसन देती है और ये हमें रियलाइज़ करवाती है कि अगरचे हम बड़े बड़े काम करने के जो ख्वाब हैं वो देखते हैं और सबसे टॉप पर बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपना द बेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो इस पोइम में शायर हमें जो है यही आइडिया समझाना चाह रहा है मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि हम जो कुछ भी करें उसका बेहतरीन करें और बेस्ट करें। इसलिए इसमें पॉइंट जो है हमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देगा नेचर के थ्रू और इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए वो ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि कोई भी जॉब जो है वो कम अहमियत नहीं रखती और ना ही हमें उस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारा काम क्या है या हम छोटे काम करते हैं। तो हमें असल बात जो ये है कि हमारा कंट्रीब्यूट कितना है इसमें, और हम जब भी कोई काम करें तो हम ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर सकते। नहीं का वर्ड हम अपनी लाइफ में से काट दें, हम निकाल दें, बल्कि हम ये सोचें कि हम ये कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूट है, ये जो करना, चाहे वो छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो, तो दोनों ही हम अगर उसमें से कोई भी कर रहे हैं तो उसका दी बेस्ट करें। अपनी जॉब पर फ़ख्र करें हमेशा और अपनी जॉब को बेस्ट एफर्ट के ज़रिए जो है अकम्पलिश हमें करना चाहिए। तो इसीलिए जो ऑथर है जब या पोइट है वो हमें एग्जांपल देता है किस चीज़ की, पाइन ट्री की, यानी कि सनोबर की, दरख्त की। तो सबसे पहले वो इस पोइम में हमें कहता है कि पहाड़ की चोटी पर पाइन ट्री होना अच्छा है, लेकिन अगर आप फिर भी पाइन ट्री नहीं होंगे, नहीं बन सकते अगर आप पहाड़ की चोटी पर, जो कि हर कोई ये ख्वाब देखता है कि मैं बुलंदी पर रहूँ, ऊँचाई पर रहूँ, कहता है लेकिन अगर आप किसी मजबूरी के वजह से पाइन ट्री नहीं हो सकते तो आप एक बुश ही बन जाइए, एक झाड़ी ही बन जाइए जो कि नदी के साथ साथ उगी हुई है और वैली को खूबसूरत बना रही है। तो कहता है फिर क्या हुआ कि अगर आप एक पाइन ट्री नहीं बन सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कीमती नहीं हैं, आप वादी की बेहतरीन झाड़ी बनकर भी अपने काम को और अपनी पहचान को प्रूव कर सकते हैं और वैली को और वादी को खूबसूरत बना सकते हैं। हो सकता है कि पाइन का जो ट्री है वो लार्ज फॉरेस्ट में से हो, लेकिन विदाउट स्क्रब, झाड़ी के बगैर वादी जो है वो अपनी खूबसूरती खो देती है। इसीलिए वो कहता है कि स्क्रब बेस्ट स्क्रब बने अगर आप पाइन ट्री नहीं बन सकते। तो एक्चुअली ऑथर जो है वो हमें ये भी समझाना चाह रहा है कि अगर आप बॉस नहीं बन सकते तो आप अच्छे एम्प्लॉय बन जाएं, और साथ ये कि अगर आप ट्री जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते तो आप कम से कम एक बुश ही बन जाएं, लेकिन आप जो भी काम करें उसका दी बेस्ट करें। और अब सेकंड स्टैंजा में हमें ऑथर ये भी कहता है कि अगर आप बुश नहीं बन सकते तो फिर आप ये करें कि आप एक बिट ऑफ ग्रास ही बन जाएं, एक घास का टुकड़ा ही बन जाएं, क्योंकि घास का जो टुकड़ा है या बिट ऑफ ग्रास है वो क्या होता है, हाईवे के साथ साथ उगा हुआ होता है और उस हाईवे को क्या करता है, खूबसूरत बना रहा होता है, उस रास्ते को खूबसूरत और खुशगवार बनाता है। तो यहाँ पर पोइट हमें नेचर के इस एस्पेक्ट से एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा है कि देखें अगर आप स्ट्रॉन्ग ट्री नहीं बन सकते तो आप जो है छोटा सा ग्रास बन जाइए, जिससे है रास्ता बहुत खूबसूरत लगता है, और अगर इन शाहराहों पर ग्रास ना उगा हुआ तो ये बहुत ही बेजान से लगते हैं और हमें बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते। और इसी के साथ ही ऑथर जो है वो हमें एक और एग्जांपल देते हैं। वो किस चीज़ की एग्जांपल देते हैं, वो देते हैं एक मछली की। कहते हैं कि अगर आप मस्की, ये मछली नहीं बन सकती जो कि एक नायाब मछली होती है और बहुत मुश्किल से जो कि पकड़ी जाती है और बहुत कीमती होती है, तो कहते हैं अगर आप ये नहीं बन सकते तो आप एक बेस बन जाएं। बेस एक दूसरी काइंड है फिश की जो कि इजीली पकड़ी जाती है, लेकिन आप एक जिंदा दिल मछली बने। तो कहते हैं कि आप ये है कि अगर आप वो बड़ी वाली मछली नहीं बन सकते तो छोटी बन जाइए। तो इसके बाद फ्रेंड्स, थर्ड स्टैंजा में पोइट हमें क्या कहते हैं, हैप्पी रहने की और पुरुमीद रहने का लेसन देते हैं। वो हमें कहते हैं कि अगर हम शिप के कैप्टन नहीं बन सकते तो
क्रू बन जाएं। क्रू क्या होता है? शिप का जो अमला होता है, क्योंकि कैप्टन अकेला और तन्हा कभी भी सेल नहीं कर सकता, यानी कि बहरी जहाज का सफर जो है समंदरों पर अकेला तन्हा नहीं कर सकता। इसलिए पोइट चाहता है कि हम ये जान लें कि यहाँ पर मतलब इस दुनिया में हमारे लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर होता है और हमें फ़ख्र करना चाहिए। हम जो भी हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमें जो है प्राउड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट जो है फर्दर हमसे ये बात करेंगे कि अगर हम हाईवे नहीं बन सकते, बड़ी शाहरा और बड़ी लंबी चौड़ी सड़क नहीं बन सकते, तो क्या हुआ? हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, हम एक नैरो पाथ ही हमें बन जाना चाहिए, क्योंकि नेचर के बहुत से खूबसूरत पार्ट्स जो हैं वो इसी नैरो पाथ से होकर गुजरते हैं, हाईवे से होकर नहीं गुजरते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एक खूबसूरत सा नैरो पाथ बन जाइए, जिसकी खूबसूरती जो है वो नाकाबिले बयान होती है। इसके अलावा शायर जो है हमें एक और नेचर की एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि अगर हम जैगनेटिक सन नहीं बन सकते तो हम कम अज़ कम ट्विंकलिंग स्टार तो हम बन सकते हैं ना, और वो हमें ज़रूर बनना भी चाहिए, क्योंकि साइज डज नॉट मैटर। आपकी सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपना काम कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोइट जो है वो ये नतीजा निकालता है कि आप जो कुछ भी हैं उसका दी बेस्ट बने, क्योंकि पोइट हमें ये बताना चाह रहा है कि बड़ी चीज़ों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन छोटों की अपनी जगह। अब ये देखिए, वो कह रहा है कि आप अगर पाइन ट्री को तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ ग्रीन पैच को भी तो देखते हैं ना, हम उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि पाइन ट्री अपनी जगह खूबसूरत है और ये ग्रीन पैच जो है वो उस जगह की खूबसूरती बहुत बढ़ा देते हैं। तो ऑथर हमें कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो उन शाइनिंग स्टार की तरह प्रोमिनेंट करें, या फिर उन पैचेज ऑफ ग्रास की तरह प्रोमिनेंट करें जो कि क्या करते हैं, वहाँ की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इसके साथ ही वो हमें ये भी कह रहे हैं कि अगर क्या हुआ कि अगर हम सन या फिर पाइन ट्री नहीं बन सकते, तो हमें हर उस चीज़ में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जो नोटिसेबल हो, और इस तरह से हमें क्या है अपनी फील्ड में रिस्पेक्टिव होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए। बस हमें सिर्फ और सिर्फ इससे गर्ज हो कि हम कर क्या रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं उसका हमें दी बेस्ट करना चाहिए, बेहतरीन करना चाहिए। तो शायर हमें यही इस पोइम में एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि इस सोसाइटी में हर काम की जो है अपनी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है, तो हमें अपना काम करते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना बेस्ट एवरी डे करना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग ही डॉक्टर और बिजनेस मैन बन जाए तो हमारे सोसाइटी के छोटे छोटे काम या जॉब कौन करेगा। इसलिए हमारे हाथ में जो भी काम अवेलेबल हो वो हमें ज़रूर करने चाहिए। अगर हम बड़े काम की तरफ जाएंगे तो हमारा काम जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए हमें अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, और दी बेस्ट बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोइम दी बेस्ट की समरी, जो कि आपने अभी पढ़ी है, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। तो इसकी ये थी समरी, जिसमें पोइट जो है वो हमें होप का लेसन देता है कि हमेशा पुरउम्मीद रहें, और आप जो कोई भी हैं अपना काम बेस्ट तरीके से करें, कभी भी गिव अप ना करें, अपना रास्ता ना छोड़ें, इधर उधर मत देखें, सिर्फ अपनी मंजिल पर, अपने रास्ते पर नज़र रखें। अपनी मंजिल को अगर आप सामने रखेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर की समरी।